कभी कभी लगता है कोई सपना है, पता नहीं कोई मिशन पे गया हो, कहाँ है कहाँ नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं होता है। दर्द पता नहीं क्या है ये, जो कम ही नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कितने साल हो गए उसे बात ही नहीं करी। टाइम देखो तो 1.5 साल ही तो है, 1 दिन 1 साल जैसा लग रहा है। बेटे की कमी एक माँ को तब से शुरू हो जाती है जब उसका अंश उसके पेट में आ ही जाता है। उसको गले लगाने की जो कमी, ये तो वही बात समझ सकता है जो नो बेटा खोया हो। तो इसकी कमी मेरे पास हमेशा है और हमेशा रहेगी। ये घटना जब हुई उससे पहली रात उसने मेरे से बात की थी कि मैं कल एक विशेष मिशन पर जा रहा हूँ, कल आप मेरे को फ़ोन मत करना, मैं मुस्तफ़ा को साथ लेके जाऊँगा, वो यंग पायलट है। 21 अक्टूबर को जब उड़ान भरी जिसमें वो जो है 10:33 पे उसके जहाज़ पिछले हिस्से में आग लग गई, तो मिगिंग गांव के ऊपर आते वक्त उसकी गैस ख़त्म हो चुकी थी और उस आखिरी मोमेंट में उसने हेप्टर को छोड़ा नहीं, वो जो है आसमान में फना हो गए। विशेष मिशन वो तभी कहता था जब जान को खतरा है, मतलब शहादत को भी जाना पड़ सकता है। वो मिशन कभी हमें नहीं बताता था, आर्मी की बातें वो हमें करने नहीं देता था, वो कहता था ये हमारा काम है, आप घर की बात करो, समाज की बात करो, बच्चों की बात करो, देसी गांव के रहने वाला परिवार का बेटा हूँ, ये मुझे फ़ख्र की बात है, किसान का बेटा हूँ। अब वो कहता था मैं बाद में भी जो है रिटायरमेंट के बाद किसानी के काम को देखूँगा। उसका भी कॉल आता था तो मैं भी सारे काम छोड़ देती थी। उनका मैं शॉपिंग करने आई हूँ, बोलता चल चल मैं बाद में करती, नहीं नहीं मैं शॉपिंग बाद में करती हूँ, मैं तुझसे बात करती हूँ। दुख से तो नहीं उभर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सच नहीं है कि हम उभर रहे हैं क्या, दबा के बैठे हैं। फ़ोन पे बात करते हैं तो कई बार आंखों में आंसू होते हैं पर सामने वाले को लगता है कि हंस के बात कर रहे हैं, ये वाली बातें हैं। मैं तो आज फर्स्ट टाइम 1.5 साल बाद, मतलब इतने टाइम में आज फर्स्ट टाइम उसके रूम में गई हूँ। हिम्मत नहीं होती जाने की, देखने की। अभी वो चादर बिछाता तो वो भी पड़ी, एक दिन मैं बिछा दी तो उसमें मेरी पोती गिर, उसकी जान सुगंध आ रही है तो दूंगी नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है। अब मैं वापिस रखती फिर। उसका हेलीकॉप्टर क्रेश हुआ ना, उनसे 1 महीना 10 दिन ही हो गया था ना, तो 60 दिन की छुट्टी लेके आया था वो, यहाँ घर पढ़ता था। अब की बार है ना मैं ननिहाल नहीं जाऊँगा, गांव नहीं जाऊँगा, मम्मी मेरे को बहुत पढ़ना है। नहीं कभी को तो क्या मैं इतनी टेंशन कर गया, तो टॉपर ही रहता है, टॉपर ही रहेगा, ऐसे मेरे मुंह में निकली। अरे टॉप पर आ बेटा, ने रिजल्ट नहीं देखे मेरे, पढ़ाई पढ़ाई ऐसे करते ही रहते। यूं मजाक में मुझे कहता था कि आपके शाह मोहम्मद और वो मियाँ जी जैसे आपके भाई हैं वैसे ही मेरे को एक मियाँ भाई मिल गया मुस्तफा, हम जाट मियाँ की जोड़ी है, ऐसे मजाक में कहता था ये चीज़ें। अब भी मैं यही कहूँगा कि बेटे ने जो काम किया है उसके ऊपर हमें फख्र है, मलाल नहीं है, देश की रक्षा के लिए कोई न कोई तो जाएगा।
मुस्तफा मेरा बहुत ख्याल रखता था, अगर हल्की सी भी कहीं मेरे दिल को भी या मेरे एक जज्बातों में भी कहीं थोड़ी सी भी एक चोट न पहुंचे या मैं कहीं सोचने के लिए मजबूर ना हो जाऊं, ऐसी कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं करता था। वो जब भी फोन करता था बड़े आराम से, मस्ती से, और मेरा मन बहल जाए, मेरा एक फोन के बाद दूसरे फोन का जो इंतजार है वो अच्छे से कट जाए, इस तरीके से मेरे से बात करता था। उसकी जैसे की ट्रेनिंग 13 जुलाई को खत्म हुई, मैं उससे पहले ही उसके पास पहुंच गई थी कि आप बेटे गाड़ी लेके आओगे तो हम दोनों साथ में जर्नी करते हुए बातें करते हुए घर की तरफ आएंगे। तब उसने मुझे नहीं बताया था कि मेरी नई पोस्टिंग आ गई है, लेकिन हम जब साथ में चले और गाड़ी में मुझे बताया कि मम्मी मेरी पोस्टिंग आ गई है और मैं इस बार आसाम लीकाबली की तरफ जा रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों इस 10 साल की जर्नी में मुझे पहली बार अच्छा नहीं लगा। बेटा आप बहुत दूर जा रहे हो, और मैंने उसी वक्त बोला कि शायद मुझे कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं मम्मी आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करो, डिब्रूगढ़ एक जगह है वहां तक फ्लाइट आती है, आप बिल्कुल आराम से आ सकते हो मेरे पास, आप चिंता मत कीजिए। मैं कहूंगी मैंने पहली बार उससे जिद की थी कि मुझे भी तुम अपने साथ लेकर चलो, और पूरे परिवार से उसने कहलवाया था कि मैं चिंता न करूं, कोई बात नहीं मैं उसको जाने दूं। और यही मेरी मुस्तफा से एक आखिरी बातें थी, और इस तरीके से मैंने मुस्तफा को अपने घर से विदा किया था। भाई उसकी ट्रेनिंग पर थे और सबने खूब मस्ती की थी, देखिए हमारे 3 स्टार आ गए। जिस वजह से उसको शौर्य चक्र दिया जा रहा है कि जहां वो अपनी जिंदगी बचा सकता था, फिर भी हमारे देशवासियों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। अनित क्या मेरे को ऐसे लगता है मेरा बेटा आएगा। त्योहार होता है, उसका जन्मदिन होता है, उसकी बरसी है, वो दिन भारी पड़ते हैं हमारे पे।